Hello students, good morning. Yesterday we have done class assignment 5B and today we will read and understand this topic, reading numbers in bracket numbers names. Okay, and after this we will solve class assignment 5C. Clear? So come to the topic, reading numbers, number names. Okay, तो ये number names, ये जो टॉपिक है आपने इसे लेसन फर्स्ट में भी पढ़ा है. ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं आपने, तो फिर एक बार और हम लोग लेसन फाइव में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे. क्लियर? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. टू राइट द नंबर नेम ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, we first write the number name of the digit in the hundreds place, then digits in the tens place, and then the ones place. Okay. तो यहाँ पे क्या समझा रहा है कि जब हम थ्री डिजिट नंबर्स का नंबर नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट का नंबर नेम लिखते हैं. ओके, उसके बाद टेंस प्लेस का हम लिखते हैं, और उसके बाद हम वंस प्लेस का लिखते हैं. क्लियर? तो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे 542 नंबर दिया है यहाँ पे. क्लियर? तो 5 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे आता है, तो सबसे पहले ये इसको लिखा है, हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट का नंबर नेम लिखा है. क्लियर? 500. उसके बाद टेंस प्लेस का 40. ओके, फिर वंस प्लेस का 2. तो टोटल कैसे रीड करेंगे हम इसे, ओवरऑल 542. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 862 है, तो इसमें भी वही है, सबसे पहले हंड्रेड स्पेस के डिजिट का नंबर नेम लिखा है 800. ओके, उसके बाद टेन स्पेस का 60, उसके बाद वन स्पेस का 2. ओके, तो इस तरह से हमें करना है इसको. तो चलिए हम क्लास असाइनमेंट 5C को सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज को. राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनके नंबर नेम्स लिखने हैं. क्लियर? तो ये है, फर्स्ट है 673, तो सबसे पहले हम 6 को लेंगे. ओके, ये हंड्रेड प्लेस पे हैं, ये 3 वंस प्लेस, ये 7 टेंस प्लेस, और ये 6 जो है हंड्रेड प्लेस पे है. ओके, तो हम हंड्रेड प्लेस का सबसे पहले लिखेंगे, तो ये 6 है, 600 प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे इससे हम, 600. ओके, उसके बाद 7 टेंस प्लेस पे है, तो लिखेंगे 70. ओके, 70. ओके, थ्री वंस प्लेस पे लिखेंगे 3. तो पूरा हम कैसे रीड करेंगे इसे, 673. क्लियर? नेक्स्ट है 487. फोर हंड्रेड एट्टी 80 ना, 8 टेन स्पेस पे, 8 टेन से मल्टीप्लाई हुआ तो 82 हुआ ना, तो लिखेंगे 80. इनको वर्ड्स में लिखना है. क्लियर? यहाँ पे जितनी भी डिजिट है इनको क्या करना है, किसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है 80. अब 7 वन स्पेस पे लिखेंगे यहाँ पे 7. ओके, 487. नेक्स्ट 965. 900 900 प्लेस पे सब लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे हम 100. सिक्स है टेंथ प्लेस, तो लिखेंगे 60. 6 जो है 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, 60 65. 5 इज एट वंस प्लेस, तो लिखेंगे सिर्फ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5. ओके, नेक्स्ट 785. 7 इज एट हंड्रेड स्पेस,
लिखेंगे सबसे पहले हम 7, उसके बाद लिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू 100, ओके। उसके बाद 8 टेंथ प्लेस पे है, लिखेंगे 85, ओके। तो ये हो गया, आपको इसी तरह करना है, क्लियर। तो ये आपके लिए होम क्लास वर्क हो जाएगा, CW, ओके। डेट क्या होगी, 14 अगस्त 2020, क्लियर। तो इसे आप बुक में सॉल्व करेंगे, ओके। क्लास वर्क, कम टू द होमवर्क। होमवर्क में आपका क्या करना होगा, आपको ये होम असाइनमेंट 5C, इसको आप होमवर्क में करेंगे, क्लियर। ओके, तो होमवर्क में आप बुक में करेंगे, क्लियर। तो इसको आपको बुक में सॉल्व करना है, कॉपी में कुछ भी नहीं सॉल्व करना। तो होमवर्क में क्या करोगे आप, ये होम असाइनमेंट 5C सॉल्व करोगे बुक में ही, क्लियर। और ये क्लास वर्क में क्या करोगे आप, ये क्लास असाइनमेंट 5C सॉल्व करोगे बुक में, क्लियर। तो इसे आपको कैसे करना है, कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, क्लियर। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर नेम दिए गए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लिखना है नंबर नेम इसका, ठीक है, इस नंबर का नंबर नेम लिखना है, ओके। यहाँ पे नंबर्स नेम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका नंबर, लिखोगे इस नंबर नेम का नंबर लिखोगे। तो यहाँ पे फिर वही है, नंबर दिया गया, फिर यहाँ पे नेम लिखोगे इसका, ओके। फिर यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे नंबर नेम लिखोगे, यहाँ पे फिर इधर यहाँ पे नंबर नेम दिया गया, तो इसका नंबर लिखोगे।